हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन। 1.5 कप बेसन लिया मैंने। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक और साथ में आधा चम्मच हल्दी। और अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसको बैटर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। बिल्कुल अच्छे से इसको पैक लेते हैं, अच्छे से इसको कर लेते हैं हम मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर जो है वो मिक्स हो गया, कोई भी लम्स नहीं है इसमें। इसको हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए ऐसे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं बैटर को मिक्स किए हुए। और यहाँ पे मैंने स्टीमर में पानी भी रख दिया बॉईल होने के लिए थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं इस बैटर में डालूंगी इनो का सेशे, एक पूरा इनो का सेशे मैं इसमें ऐड कर लूंगी इस तरह से। और इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे। मैंने जिसमें आप एक उसमें भी बना सकते हैं जो इसका बैटर वो होता है, मैं आज इसको बना रही हूँ इडली के उसमें स्टैंड में। तो मैंने इडली वाले को ग्रीसिंग कर ली है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ढोकले का मटेरियल और इसको इडली की शेप देते हुए हम ढोकला बना लेंगे। तो मैं इन सबको फिल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सबको बैटर को फिल कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे ये पानी भी बॉईल हो गया। इसको हम इसमें डालेंगे और सिम कर दिया मैंने गैस को। और इसको थोड़ा सा डाब डाब करके डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको इस तरह से डाल लेते हैं और हम इसका स्टीमर को कर लेंगे कवर। अब ये 15 से 20 मिनट में बनके स्टीम होके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूसरी साइड पे इसका सिरप बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑयल जो है वो गर्म हो गया। हम इसमें डाल देंगे राई। मैंने छोटी वाली राई लिया, आप मोटी वाली भी ले सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पॉप होने देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये पॉप होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता और साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची। देखिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी जिसे हम सिरप बनाए। इससे हम सिरप बना रहे हैं। तो सिरप बनाने के लिए इसमें हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ले सकते हैं। और इसमें जाएगी चीनी। तो चीनी इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच पूरा भर के और हम इसको अब बॉयल आने देंगे, अच्छे वाला बॉयल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आ रहा है अच्छे से बॉयल। अब मैं कर लूँगी गैस को ऑफ। तो गैस मैंने ऑफ कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ये इसको गैस बंद करके ही ऐड करना है, ये बात आप याद रखिएगा। और इसको हम कर लेते हैं अब मिक्स। मिक्स करके हम इसको कर लेंगे अब ठंडा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे स्टीमर की जो इडली ढोकला है वो बनके बन गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ एक सिलाई। तो सिलाई की मदद से मैं इसको देख लूँगी कि ये हो गया कि नहीं। देखो, बिल्कुल साफ़ आया है, तो यानी कि ये हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अलग कर लूँगी इसके सांचे से। तो इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे इडली जो है वो निकाल दी है। और इसके ऊपर हम डालेंगे सिरप जो हमने बनाया। अगर आप इस पर धनिया भी डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। ये बहुत ही सुपर सा सॉफ्ट सा ढोकला बनके हमारा रेडी हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा, आप भी खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।